इजी कुकिंग में हम आज पैटीज बना रहे हैं और उसके लिए मैंने पैटीज डो तो नहीं खरीदा, ये मेरे पास फ्रोजन पराठे पड़े हुए हैं। आपने इन पराठों को 3-4 पराठे लेने हैं और फ्रोजन पर ही आपने मक्खन लगाना है इस तरीके से। अगर आप इसे सॉफ्ट होने के बाद लगाएंगे तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, हमें इसकी लेयर्स बनानी है इसलिए इसको फ्रोजन पर ही लगाना है। ये आप इसे अच्छी तरह लगा के अब आप इसके ऊपर दूसरा रखें। और उसके ऊपर फिर लगाएं और जब ये सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम इसको बेल लेंगे। मेरे पास इस वक्त सिर्फ 3 ही निकले हैं, लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा हैं तो आप इसकी ज़्यादा लेयर्स बना सकती हैं। अब हम पैटीज की सॉस तैयार करते हैं। इसमें 2 चम्मच के करीब बटर डालें। अब इसमें प्याज डालें और प्याज आपने ब्राउन नहीं करने, सिर्फ हल्के से नरम ही करने हैं, ये मामूली सा भला रंग बदलेंगे। प्याज आपने ब्राउन नहीं करने हैं, आपने इसको लाइट पिंक करने हैं, यानी कि हल्का सा सोते करें तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे। प्याज हल्के से ट्रांसपेरेंट हो गए हैं, अब हम इसमें थोड़ा सा दूध डाल के और साथ ही मैदा मिलाएंगे। साथ ये ऑल पर्पस फ्लावर है वो डाल रही हूँ और इसको अब हल्का सा पकाना है। मैं इसे थोड़ा सा स्पाइसी रखूंगी तो इसलिए कुटी हुई लाल मिर्ची मिला रही हूँ, और आप अगर इसे कम रखना चाहते हैं आपने सिर्फ ब्लैक पेपर मिलाना है, और नमक आपने जायके के मुताबिक डाल लें। अब हम इसमें चिकन डालते हैं जो मैंने उबाल कर श्रेड कर लिया है। इस वक्त आप नमक और मिर्च चख सकते हैं कि आपके टेस्ट के मुताबिक है कि नहीं। फ्रोजन पराठे देखें मेल्ट हो गए हैं, अब हम इसको बेलते हैं। नीचे आप थोड़ा सा खुश्क आटा डालें और इसके अंदर पहले से हमने बटर लगाया हुआ है, अब आपने इसको बेलना है। गोल गोल इसके पीस बनाते हैं और इसके अंदर इसका फिलिंग रखेंगे और इसको फिर बेक करेंगे। बेकिंग ट्रे में मैंने फाइल लगाई है, अब इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगाऊंगी।
ऑयल मैंने इसके ऊपर लगा दिया है। अब हम इधर ये पीस रखते हैं। और इसके ऊपर हल्का हल्का सा एग लगा देते हैं। सबके ऊपर मैंने एग लगाया है। अब मैं इसके ऊपर इसकी फिलिंग रख रही हूँ। फिलिंग मैंने आपको बताई है, ये बड़ी मजे की है वैसे। इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा चीज भी मैं डाल रही हूँ। अब इसके ऊपर दूसरा पीस रखती हूँ और आपने हल्का से इसे प्रेस करना, बहुत नहीं करना। अब इसके ऊपर फिर एक बार एग लगाऊंगी। रोजों में ये डिश आप जरूर बनाएं, क्योंकि फ्राइड चीजें वैसे भी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती और ये बेक होंगी। अब आपने इसके ऊपर एक और लेयर लगा ली है। और इसके ऊपर फिर आपने एग लगाना है। और अब आपने इसे प्री हीट ओवन में रखना है, जो हमने 230 सेल्सियस पे रखा हुआ है। मैंने ये फ्रोजन पराठे के साथ पैटीज बनाए हैं। देखने में तो ये बिल्कुल मार्केट जैसे लग रहे हैं, आप इसे चखेंगे तो पता चलेगा, लेकिन शक्ल बड़ी खूबसूरत है।